नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीप स्टडी सर्कल के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रतिरोध के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले वाली जो वीडियो थी टेक्निकल पार्ट वन में, मैंने आपको ओम का नियम प्रतिरोध के बारे में बताया था। अब उसके आगे देखते हैं, चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रतिरोध की निर्भरता। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तो R समानुपाती किसके हो गया? L के। और चालक का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब R व्युत्क्रमानुपाती हो गया A के। अब इन दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा R L अपॉन A। इस समानुपात के चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा, जिसको बोलते हैं रो। और यही रो क्या कहलाता है? आपका विशिष्ट प्रतिरोध। ये रो आपका क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो दोस्तों, ये रो, इसका मात्रक पूछते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है मात्रक। तो इसका मात्रक देखते हैं। तो रोह का मात्रक देखना है तो यहां से फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? रोह बराबर आर ए अपॉन एल। तो आर यानी क्या होता है? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। इनटू ए क्या होता है इसमें? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। बटे लंबाई का मात्रक मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध का यहां से मात्रक आता है ओम इंटू मीटर। दोस्तों, बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रतिरोधों का संयोजन। तो दो प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन होता है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये तीन प्रतिरोध हैं, इसका मान R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। और ये बैटरी है, इसका वोल्टेज भी है, ठीक है। अब यहाँ से विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। तो ये I विद्युत धारा है और यहाँ से R। तो इसका इसमें विभव मानते हैं, वोल्टेज मानते हैं V1, इसमें V2, इसमें V3। क्योंकि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा का मान तो पूरे में समान होता है। धारा जो I होती है वो क्या होती है? समान होती है। जबकि वोल्टेज जो होता है भी, वो क्या होता है? अलग-अलग होता है। ये दोस्तों बहुत पूछा जाता है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में क्या समान होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में देख रहे हैं आप, धारा तो समान होती है लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है। तो जब वोल्टेज अलग होता है तो कुल वोल्टेज तीनों वोल्टेज के योग के बराबर हो जाएगा। तो यहां से V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। अब R बराबर, अपन ओम के नियम में पढ़ा था, V अपॉन I। तो यहां से V बराबर क्या हो जाएगा? R इंटू आई। यहां रख देंगे तो ये हो जाएगा R इंटू आई। ये हो जाएगा चूंकि R1 और धारा तो समान है I, ये हो जाएगा R2 I, ये हो जाएगा R3 I। I यहां से कॉमन ले लेंगे, I कॉमन ले लिया तो ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 और I से I कट गया। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया दोस्तों? तुल्य प्रतिरोध आ गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आ गया दोस्तों तुल्य प्रतिरोध। अब देखते हैं दोस्तों समांतर क्रम संयोजन। तो ये है दोस्तों समांतर क्रम संयोजन।
इसको देखेंगे कैसे, यहाँ से धारा आई बैटरी से निकली, इसका वोल्टेज भी है, ये निकली धारा, तो ये धारा क्या हो जाएगी, बट जाएगी, ये जंक्शन से धारा बट जाएगी। तो इसमें मान लिया आई वन करेंट आई, धारा आई, इसमें मान लिया आई टू और यहाँ पर आई थ्री, इसका प्रतिरोध मान लिया आर वन, इसका आर टू और इसका आर थ्री। अब प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में, धारा हम देख रहे हैं, धारा का जो मान होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, और वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। जब धारा का मान अलग अलग हो गया तो यहां से I बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, वही ओम के नियम से R बराबर क्या होता, V अपॉन I, तो I बराबर क्या हो जाएगा यहां से, V अपॉन R, इस फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे तो जो हो जाएगा V अपॉन R बराबर V अपॉन आर वन प्लस V अपॉन आर टू प्लस V अपॉन आर थ्री, यहां से V कॉमन ले लेंगे तो जो हो जाएगा V इंटू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, वी से वी कट जाएगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा वन अपॉन आर बराबर वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ये दोस्तों होता है तुल्य प्रतिरोध किसका, जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाए। दोस्तों इस पर प्रश्न देख लेते हैं, ये आपके सामने सर्किट डायग्राम बना हुआ है, दोस्तों परीक्षाओं में काफी पूछे जा रहे हैं इस टाइप के प्रश्न, तो देखते हैं। ये आपके सामने एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है, ये इसमें क्वेश्चन है, ए तथा बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें यह निर्धारण करना पड़ता है कि कौन कौन से प्रतिरोध समांतर क्रम में है और कौन से श्रेणी क्रम में है। तो देखते हैं, यहां से ये मान लीजिए ये धारा आई और ये पट गई आई वन में और यहां से ऊपर आई टू में, क्योंकि ये जंक्शन है, इससे धारा बट गई, अर्थात यहाँ धारा बट रही है इन दोनों के बीच में, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे समांतर क्रम में, इसको मान लिया आर वन और इसको आर टू, तो चूंकि आर वन तथा आर टू कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता, वन अपॉन आर डैश दे देते हैं इसको, वन अपॉन आर डैश बराबर वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, तो इसमें रख देंगे वन अपॉन आर वन की वैल्यू 10 और आर टू की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगी 2/10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 6 10, तो यहां से आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ओम। अब ये दोनों एक हो जाएंगे तो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो इसके साथ कैसा होगा, श्रेणी क्रम में होगा, क्योंकि वापस धारा आई बन जाएंगी यहां मिलके, तो आर डैश इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध और इसको देते हैं आर थ्री, तथा आर थ्री कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में, होंगे, तो यहां से उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे आएगा, आर बराबर आर डैश प्लस आर थ्री, आर डैश की वैल्यू 5 है और आर थ्री की वैल्यू 20 है, तो 20 और 5 25 ओम, तो इसका ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया दोस्तों, 25 ओम। दोस्तों अब आपके सामने ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है, तो इसमें ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो सेम जैसे पहले किया था वैसे ही फिर करेंगे, यहां से आई धारा चली तो ये आई वन और आई टू में बट जाएगी, यहां से इन दोनों में आई बन जाएगी, तो अर्थात ये दोनों कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में, इसी प्रकार ये दोनों भी श्रेणी क्रम में, इन दोनों के जो आएंगे वो आपस में समांतर क्रम में हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, ये आर वन, ये आर टू, ये आर थ्री, ये आर फोर, तो सबसे पहले आर टू और आर थ्री कैसे हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, चूंकि आर टू तथा आर थ्री कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, तो इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, आर डैश दे देते इसके तुल्य प्रतिरोध को, आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 अर्थात 10 ओम। इसी प्रकार आर वन तथा आर फोर भी कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, तो आर डबल डैश दे देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 बराबर 10 ओम, ये भी 10 ओम हो जाएगा। अब इन दोनों का यहां से ये आर डैश आ गया, इन दोनों का कितना आ गया, ये आर डैश आ गया, ये
आर डबल डैश आ गया, तो इन दोनों को आपस में कैसे होगा ये समांतर क्रम में, तो आर डैश तथा आर डबल डैश कैसे होंगे समांतर में, तो इसके लिए क्या होगा तुल्य प्रतिरोध, वन अपॉन आर बराबर वन अपॉन आर डैश प्लस वन अपॉन आर डबल डैश, तो वन अपॉन आर डैश कितना दिया है 10, और ये भी कितना है 10, 2/10, 2 × 5 = 10, तो तुल्य प्रतिरोध आर बराबर कितना आ जाएगा 5 ओम, ये इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस टाइप के भी कुछ प्रश्न बनते हैं, उसको देख लेते हैं। एक 10 ओम और 20 ओम और 30 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, कैसे हैं दोस्तों श्रेणी क्रम में, तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, डायग्राम इसका बना लेंगे दोस्तों, तो ये आसान हो जाएगा काफी करने में। ये इसको श्रेणी क्रम में जोड़ लिया, ये 10 ओम, ये 20 ओम, ये 30 ओम, तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित हैं जो 120 वोल्ट की बैटरी से लगे हैं, तो 10 ओम के प्रतिरोध में वोल्टेज ज्ञात करना है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है समान, धारा पूरे में आई रहेगी समान, लेकिन वोल्टेज के मान क्या होते हैं सब में अलग अलग, ठीक है। तो सबसे पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री से, तो आर वन कितना है 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितने निकलेगा 60 ओम, 60 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध आर बराबर आ गया 60 ओम, और वी बराबर कितना दिया हुआ है 120 वोल्ट, ठीक है। तो इससे दोस्तों आई निकल जाएगी क्योंकि आई पूरे में समान है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहां से वी अपॉन आर, आर बराबर वी अपॉन आई से, वी कितना है 120/60, 6 × 12, तो आई कितना आ गया 2 एम्पियर, तो यहां से 2 एम्पियर की करंट इससे प्रवाहित हो रही होगी, तो तीनों का मान, दो का मान मालूम चल गया, तीसरा निकाल लेंगे, दोबारा इस डायग्राम में लगाएंगे, आर वन की वैल्यू 10 ओम है, तो यहां से वी का मान निकालना है, तो वी बराबर क्या हो जाएगा आई आर, तो वी वन बराबर आई तो कॉमन रहेगा आई इंटू आर वन, आई की वैल्यू है 2 और आर वन की वैल्यू कितनी है दोस्तों, आर वन की वैल्यू है 10, तो 10 × 20, तो 20 वोल्ट इसमें आ जाएगा वोल्टेज, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम इंटू मीटर। अगला क्वेश्चन है एक हॉर्स पावर बराबर होता है किसके 746 वाट के। अगला क्वेश्चन है एक कैलोरी बराबर होता है किसके बराबर होता है 4.18 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है पोस्ट ऑफिस बॉक्स किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है बीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है हमारे घरों की वायरिंग कैसी होती है समांतर क्रम में होती है, हमारे घरों की जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में होती है, जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो क्या समान होता है दोस्तों, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, वोल्टेज समान होता है, जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वोल्टेज समान होता है। अगला क्वेश्चन है जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या समान होता है, विद्युत धारा समान होती है। अगला क्वेश्चन है संट संट का प्रतिरोध कैसा होता है, संट जो होता है वो दोस्तों होता है निम्न मान का प्रतिरोध होता है, संट होता है निम्न मान का प्रतिरोध, और एक चीज और ध्यान रखना कि संट को अमीटर के हमेशा समांतर में लगाया जाता है, अमीटर के समांतर में। अगला क्वेश्चन है गुणक अर्थात मल्टीप्लायर का प्रतिरोध कैसा होता है, उच्च गुणक का प्रतिरोध उच्च होता है और इसे वोल्टमीटर के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं संट और गुणक किसके बने होते हैं, मैग्नीन धातु के। अगला क्वेश्चन है मैगर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मैगर का प्रयोग इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अमीटर को वोल्टमीटर के में बदलने के लिए क्या किया जाता है, जब अमीटर को वोल्टमीटर में बदलना हो तो एक उच्च मान का प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं,
तो वो वोल्टमीटर में बदल जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल दीप स्टडी सर्किल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।